Now, most welcome all students of Standard 9. Now dear students, this is the second part of this chapter. In the first part, we know about the author, and that's a theme of the story. Okay. Now dear students, in this video, in the second part of this video, we know first of all introduction of this chapter. Okay, students. Now let's start. Introduction to the little girl. The title of the story refers to the main character that we will come across the little girl named Kezia. Kezia, that is the center character of this story. The theme of the story is the relationship between children and their parents. And the writer Catherine Mansfield wants to tell us that children. Share a very important bond of love with their parents. Although, when children are small, when they are young, they do not feel that their parents love them because their parents are strict, and many actions of the parents seems unjustified. But as children grow up, they realize that all the acts done by their parents were beneficial for them the parents were concerned for them and beneath the strictness lies a hurtful of love for the children and this bond of love between parents and their children has been highlighted through this story Not dear students in this story we know that's when we are small we do not know why our parents are being strict with us but as we grow older we become mature and we realize why they were being strict with us and we and when we realized that thing then we also realize that our parents love us so even the reader can also relate to this you can uh, also, feel that when you were younger, the action of your parents, especially that's your father, did the strictness that they had towards you for your betterment. Okay, friends, so in this story, we know that's a relationship with that uh, father uh, and that's uh, their children. Okay, now let's start the summary of this chapter. दिस स्टोरी देर वॉज ए लिटिल गर्ल ने केजिया इस कहानी में एक छोटी सी लड़की है प्यारी सी लड़की है जिसका नाम केजिया सी लिव्स विथ हर फादर हर मदर एंड हर ग्रैंड मदर जो अपने पिता अपने माँ और अपने दादी माँ के साथ रहा करती है असोसी वॉज ए फ्रेड ऑफ हिज फादर एंड ट्राइज टू एव्य हिम ऑल द टाइम मोर एवर सी फील्स कम्फर्टेड और सींग हीज फादर लिविंग फॉर ऑफिस वो अक्सर अपने पिताजी से काफ़ी भयभीत रहती है और वो एव्यड करती है अधिक से अधिक समय वो एव्यड करती है कि उनके साथ ना रहे उनके सामने में वो जब आती है तो काफ़ी अधिक वह अपने आप को मतलब फील बहुत अनइजी फील करती है और जब उसके पिताजी ऑफिस के लिए चले जाते हैं तब वो बहुत आराम फील करती है जैसे कि घर से कोई गया और जब तक उसके पिताजी रहते हैं यह बहुत अपने आप को स्ट्रिक्टनेस उनके पिताजी शो करते हैं और यह भी बहुत अधिक अपने आप को थोड़ा सा अधिक, अधिक अटेंशन में अलर्टनेस में वह पाती है

और उसके पिताजी जब अपेयर उसके सामने होते थे तो उसे लगता था कि वो रियुड क्रिटिकल एंड हार्स हैं ठीक ना मतलब गुस्से में हैं क्रोधित हैं नाराज़ हैं फर्दर हर ग्रैंड मदर साउट हर टू अंडरस्टैंड हर पेरेंट्स बेटर दैट्स वाई सी वुड इनक्रेज हर टू गो टू द ड्राॅइंग रूम टू चैट विथ हर पेरेंट्स दैन अगेन सी फाइंड दैम कोर टू आर्सर उसकी दादी माँ कई बार उसे समझाती थी जाओ अपने माता पिता से बात करो जाओ ड्राइंग रूम में वे लोग हैं उनसे बातचीत करो ठीक उनके बार बार समझाती थी तो ये एक बार कोशिश भी की जाने का इन फाइंड डे हर ग्रैंड मदर सजेस्टेड केजिया प्रिपेयर अ पील क्वेश्चन फॉर हर फादर्स बर्थडे एक बार की बात है कि दादी माँ उसे अपने पिताजी के बर्थडे पर एक पिन कुशन पिताजी के लिए तैयार करने के लिए बोलती है कि इसे पिताजी खुश होंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और एक कंफर्टेबल फीलिंग आएगी कंसिक्वेंटली केजिया स्टिचेज द थ्री साइड्स ऑफ द पिन कैसिंग बट आफ्टर दैट सी नीड्स टू स्टफ द दर्स विथ समथिंग दैट्स वाई सी गोज़ टू हर मदर्स रूम सिक्स नंबर द बेड टेबल देयर सी फाइंड मैनी पेपर तो एक पिन क्वेश्चन एक तकिया नुमा बनाने के लिए वह तीन तरफ से उस कपड़े को तो सी ली थी अब उसके अंदर उसे कुछ भरना था कुछ भरना था तो वह अपने माँ के रूम में गई सिक्स नंबर द बेड टेबल और वहाँ उसे बहुत सारे सीट्स पेपर पेजेज वो बहुत सारे उसे मिले ठीक दैन सी टॉन द पेपर वो सभी पेपर को फाड़ फाड़ कर फाड़ फाड़ कर, कर वह स्मॉल टुकड़े करके कर वह उसके पिन क्वेश्चन के अंदर भरती गई और उसके बाद उसे चौथी तरफ से भी फोर्थ साइड से भी उसे सी देती है फादर्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच फॉर द पोस्ट ऑथोरिटी उसे ये नहीं पता था कि वो जो पेपर जिसे वो फाड़ कर उसके अंदर वह फील कर रही है वो उसके पिताजी के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट थी वो वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी पोर्ट ऑथॉरिटी के लिए वो स्पीच तैयार किए हुए थे और सी एक्सेप्टेड हर मिस्टेक एंड ट्राइज टू एक्सप्लेन द रीज़न वाई सी डज इट ठीक तो सी एक्सेप्टेड तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी वो अपने इस गलती को महसूस करती है और वो एक्सप्लेन भी करने के करती हूँ क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया बट हर फादर वॉज टू एंग्री टू लिसन टू हर रीजन एंड पनिस्ड हर विथ हर रूलर ऑन हर पाम लेकिन उसके पिताजी काफ़ी अधिक क्रोधित हो गए और उसे एज अ पनिशमेंट लोर के द्वारा यानी छड़ी के द्वारा उसके पाम उसके हथेलियों पर वह पीटे हाईवर तो फिर भी सी फेल टू अंडरस्टैंड वाई सी मेट आउट to पनिशमेंट इवन आफ्टर सी एक्सेप्टेड हर मिस्टेक truly सी सेड what डिड गॉड मेक फादर फॉर ठीक तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाई कि मेरे मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेने के बावजूद भी मेरे पिताजी मुझको क्यों मारे वास्तव में जब बच्चे गलती अपनी गलती को महसूस कर लेते कि मुझसे गलती हुई है ठीक तो रियलाइजेशन ही काफ़ी है उसके पिताजी उसके बावजूद भी उसे पीटते हैं तो बहुत ज्यादा भयभीत हो जाती है वो कहती है वट डिड गॉड मैक फादर फॉर ऐसा क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंटली वन इवनिंग सी सो मिस्टर मैकडोनाल्ड प्लेइंग विथ हर फाइव चिल्ड्रेन लाफिंग एंड एंजॉइंग विथ नेम एक शाम वो अपने पड़ोस में जो एक रहा करते थे मैकडोनाल्ड वो अपने पांच बच्चों के साथ एक पार्क में वह हंस रहे थे खेल रहे थे इन्जॉय कर रहे थे दिस इवेंट इन्फ्लुएंस केजिया दैट ऑल फादर्स आर नॉट सिमिलर उसे एक इन्फ्लुएंस हुआ उसे दिमाग में आया कि दुनिया के सभी पिता एक जैसे नहीं होते हैं सी कंक्लूडेड दैट सम फादर इज केयरिंग एंड लविंग मिस्टर मैकडोनाल्ड एंड सम आर हार्स लाइक हर फादर कुछ पिता बहुत अधिक प्यारे होते हैं बहुत अधिक केयरिंग होते हैं जैसा कि मैकडोनाल्ड और कुछ पिता बहुत अधिक मतलब कठोर होते हैं जैसे कि मेरे पिता हाईवर हर एटीट्यूड टुवार्ड्स हर फादर चेंज तो फिर भी उसके पिताजी का जो पिताजी के प्रति जो उसका नज़रिया था ठीक वो चेंज होता है एक बार समडे हर मदर नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज्ड एंड हर ग्रैंड मदर गोज विथ हर एक बार उसकी माँ हॉस्पिटलाइज हो गई अस्पताल में भर्ती थी तो वह दादी माँ के साथ वह अस्पताल भी गई सो केजिया वाज अलोन इन द हाउस विद द कुक तो केजिया पूरे घर में क्योंकि दादी माँ तो उसकी माँ के साथ हॉस्पिटल में थी और केजिया घर में अकेले और उसके साथ कुक खाना पकाने वाला था द डे वैंड फाइन बट द नाइट वॉज अ डिफरेंट इशूज दिन भर तो अच्छा रहा लेकिन रात में कुछ अलग हुआ इन द मिडिल ऑफ द नाइट द मध्य रात्रि के समय सी वक एंड अ रात में बहुत भयावह सपना देखती है और वो चिल्लाने लगती है रोने लगती है बहुत ही भयभीत हो जाती है When eyes, right वो जैसे अपनी आँखें खोलती है तो वो पाती है कि उसके पिताजी उसके उसके पास हैं उसके बगल में हैं हर फादर कैरिड हर टू हीज बेडरूम उसके पिताजी उसे उठाकर अपने बेडरूम में ले जाते हैं एंड हर फादर कैरिड हर टू हीज़ बेडरूम एंड मेड हर कम्फर्टेबल एंड वार्म ऑन हीज़ बेड उसके बाद वो अपने बेड पे ले जाते हैं और उसे आराम से अपने के अपने साथ वो उसे सुलाते हैं बिस्तर फर्दर हर फादर टोल हर टू रब हर फीट विथ हीज लैग उसके पैरों को ना विथ हर इज लैग अपने पैरों से उसे उसके पैरों को पे लगड़ते हैं ठीक सोए हुए हैं दोनों और लगड़ते हैं इससे उसे सेट सी वार इससे वह उसके पैरों में गर्माहट आए सी एस पैंट्स द नाइट और रात अपने पिताजी के साथ वह व्यतीत करती है विथ हीम फीलिंग कम्फर्टेबल एंड सेफ उसे बहुत ही आराम दे और बहुत ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है आफ्टर दैट सी रियलाइज दैट हर फादर वॉज नॉट अ बेड पर्सन इससे पहले उसे लगता था क्या कि उसके पिता बहुत बेड पर्सन है बुरे इंसान हैं लेकिन इसके बाद उसे लगने लगा नहीं उसके पिता बुरे इंसान नहीं है एंड सी लव्स एंड केयर्स फॉर हर इन हीज ओन वे अब वह उन्हें प्यार उन्हें दुलार उनका केयर अब उनके ही तरीके से वह करने लगते हैं मोरेवर ही हैड टू वर्क अ होल डे टू प्रोवाइड फॉर हीज फैमिली उसे एहसास होता है कि उसके पिताजी उसके परिवार के लिए वह सारे दिन कार्य करते हैं एंड वॉज टू वे एंड एवं टू प्ले विथ हर ठीक और काफ़ी अधिक थक जाते हैं टू वेरी टू बाई इवनिंग टू प्ले वि था ठीक और वह शाम में वह उनके साथ खेलते हैं ओके तो इस तरह से केजिया का जो सोच था अपने पिताजी के प्रति वो बिल्कुल बदल जाता है और बदल जाता है वो से समझदारी आ जाती नहीं पिताजी ऐसे क्यों हैं वो सारे दिन ऑफिस में बाहरी कार्य में वो जुड़े रहते हैं काफ़ी थके से रहते हैं इसलिए वो उसे प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं लेकिन उसका प्यार उनका प्यार उसके प्रति काफ़ी अधिक है जब उसे इस बात का एहसास होता है तो अपनी सभी गलतियों पर भी उसे एहसास होता है कि मेरी जो सोच थी अपने पिता के प्रति वो बिल्कुल गलत थी तो ऐसी सोच कहीं ना कहीं सबों के साथ होती है सभी बच्चे अपने माता पिता के बारे में कभी न कभी इस तरह की बातें जरूर सोचते हैं एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक समय की बात है एक पिता अपने बच्चों के साथ अपने एक बेटे के साथ वो जा रहे थे बेटे में उसकी उंगली पकड़ के वह चल रहे थे वो बेटा उनकी उंगली छोड़ कर वो दौड़ता हुआ कुछ आगे गया और वह गिर बैठता गिरने के कारण उसके घुटने से कुछ रक्त भी बहने लगते हैं उसे चोट लग जाती है और वह गिरा रहता है वह देखता पीछे घुरकर कि पिताजी आएंगे और मुझे उठाएंगे और पिताजी वहाँ खड़े होकर उसे देख रहे हैं वहाँ पिताजी का सोच है कि नहीं यह मेरा बेटा है इसे छोटी मोटी चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए यह स्वतः अपने पैरों पर खड़ा होगा यह मेरा बेटा है ठीक यहाँ पिताजी का ऐसा सोच है और वहाँ बेटी का क्या सोच है कि पिताजी कैसे हैं वो मुझे देखे कि मैं गिर गया हूँ फिर भी मुझे उठाने नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि उसकी सोच अलग है और उनकी सोच अलग है लेकिन जब वो हम सब मेच्योर होते हैं तो समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जिम्मेदारियाँ क्या होती है ठीक और एक दूसरे की सोच क्या होती है एक दूसरे के प्रति तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस कहानी को अच्छी तरह से समझे होंगे और अपने माता पिता अपने गार्जियन अपने शिक्षकों के प्रति जो छोटे सारे बच्चों की जो भावनाएं होती है कि वो इतने कठोर क्यों होते हैं इतने निर्दयी क्यों होते हैं तो आपको पता चलेगा नहीं ये सब फॉर बेटरमेंट ओके चिल्ड्रेन आई थिंक दैट्स you understand very well that's a reality this is the reality of every uh children okay now bye thank you